हाई एवरीबडी, वेलकम एंड वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारा टॉपिक जो है इशू ऑफ शेयर्स, इससे रिलेटेड पहले के जो पार्ट्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। एंड गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग कॉल इन एडवांस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल इन एडवांस, देन वी विल लर्न द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। सो गाइस, कॉल इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो एक शेयर होल्डर्स एडवांस में पे कर देता है, यानी कि कंपनी ने अभी वो अमाउंट कॉल भी नहीं किया है और शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दिया है। दैट इज़ कॉल्ड कॉल इन एडवांस, यानी कि लाइक कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया एंड अलॉटमेंट रिसीव करने के टाइम ही किसी शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल या फिर उसके बाद की किसी भी कॉल का पेमेंट पहले ही कर दिया विद द अलॉटमेंट। सो वो उसकी जो अमाउंट होगी वो होती है कॉल इन एडवांस, यानी कि उसने एडवांस में पे किया। सो गाइज, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे कि हमें कॉल पेड इन एडवांस की एंट्री कैसे बनानी है। सो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन। अल्फा कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कैश पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। The allotment money was payable on or before March 1, 2013. The first call money on or before 30th June 2013, and the final call money on or before 31st August 2013. Mr. A, whom 600 shares were allotted, paid the entire remaining face value of shares allotted to him on allotment. Interest was paid to A on 31st August 2013. Record journal entries in company's books and also prepare their balance sheet on the date. So guys, according to question हमें ये दिया हुआ है कि कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स जो हैं इशू किए हैं पब्लिक को एंड वहाँ पर शेयर की वैल्यू है ₹10 एंड डिफरेंट कॉल्स में पैसे मांगे गए हैं ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2.5 ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो दो कॉल में रिसीव किया गया है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड द सेकेंड और फाइनल कॉल, तो वो हाफ करेंगे। 5 रिमेन बचता है, 3 और 2 पे करने के बाद 5 बचता है, जिसका हम हाफ हाफ करके यहाँ पर दोनों कॉल्स में रिसीव करेंगे। एंड फिर हमें दिया हुआ है कि ए, जो कि शेयर होल्डर है ए, उन्होंने जो कॉल्स का अमाउंट है वो अलॉटमेंट में ही पे कर दिया है और एंड उनके पास है 600 शेयर्स। जो उनके पास 600 शेयर्स थे उसका जो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा था वो उन्होंने अलॉटमेंट में ही पे कर दिया, यानी कि यहाँ पर कॉल एडवांस में पे कर दी गई है। सो गाइस, अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। गाइस, इस क्वेश्चन में हमें डेट्स दी हुई हैं तो हम अकॉर्डिंग टू डेट एंट्रीज करेंगे एंड यहाँ पर हमें एप्लीकेशन की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है। अलॉटमेंट की डेट दी हुई है 1st March 2013, तक हमें अलॉटमेंट पे करना होगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑब्वियसली अलॉटमेंट से पहले पे कर दिया होगा, तो हम एप्लीकेशन की एंट्री भी 1st March 2013 को ही करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो सबसे पहले हम 1st March 2013 को रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी। सो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर एंड ऑन 10,000 शेयर्स। सो हमारी अमाउंट आ जाएगी ₹3 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर ₹30,000। एंड गाइस, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद हम ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो सेम डेट को
ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है सेम यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें ये अमाउंट ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो हम ये सारा ही जो हमारा अमाउंट है ये सारा ही हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000। एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, क्योंकि हमें रिसीव करना है अलॉटमेंट मनी। तो सबसे पहले हम इसे ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की हमारी एंट्री होगी वो भी सेम डेट को होगी, 1 मार्च 2013। तो यहाँ पर होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारी ये अमाउंट जो है ड्यू होगी। एंड ये कितने अमाउंट से होगी, हमें रिसीव करना है ₹2 पर शेयर इन 10,000 शेयर्स। तो ये सारे ही शेयर में ड्यू होगी, ₹2 पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स में, राइट। तो हमारी अमाउंट ड्यू होगी 20,000। एंड देन हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे सेम डेट 1 मार्च 2013। सो गाइज अब हमें यहाँ पर केयरफुल रहना है, क्योंकि अलॉटमेंट में हमें सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, अलॉटमेंट मनी के साथ साथ हमें कुछ एडवांस भी पेमेंट मिली होगी यहाँ पर 600 शेयर की, जो कि होल्ड किए थे मिस्टर ए ने। उन्होंने 600 शेयर होल्ड किए थे एंड उन्होंने इस 600 शेयर पे जो उनका मनी ड्यू था ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जो कि अभी हमने कॉल कंपनी ने कॉल नहीं किया है, बट इन्होंने किया है अलॉटमेंट के साथ ही ये अमाउंट भी पे कर दी। सो अब हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि मनी तो रिसीव हुआ ही है। तो उस टाइम पर हम बैंक अकाउंट पहले डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो रिसीव हो गई एंड जो भी हमें कॉल हमें एडवांस में मिला हुआ है वो भी हमारा अंडर बैंक ही आएगा, क्योंकि पैसा तो सारा रिसीव हुआ ही है अलॉटमेंट के साथ साथ कुछ एडवांस में। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि हमें टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ बैंक में। सो ये हम कैलकुलेट करेंगे अब। नाउ गाइस अलॉटमेंट मनी जो हमारा था ड्यू वो ₹2 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर ड्यू था, यानी कि 10,000 हमारे पास शेयर थे, राइट, एंड ₹2 पर शेयर के हिसाब से हमें अलॉटमेंट रिसीव करना था। सो हमें टोटल कितना रिसीव करना था, 20,000, राइट। एंड हमें ये 20,000 तो रिसीव हुआ ही है, इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं दिया या किसी ने कम दिया, ये हमें पूरा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हम 20,000 लिखेंगे। एंड जो शेयर होल्डर ए है उनके पास कितने शेयर थे, टोटल 600 शेयर, राइट। सो 600 शेयर पे उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे किया। फर्स्ट कॉल हमारा कितना है, 2.5 पर शेयर, यानी कि 2.5 पर शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया होगा। सो इसके हिसाब से उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल के कितने रुपए दिए, 1,500, राइट, ये उन्होंने हमें पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये फाइनल कॉल का अमाउंट भी हमें अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो उनके पास कितने शेयर थे, 600, राइट, एंड हमारी फाइनल कॉल का अमाउंट कितना रिसीव करना था पर शेयर, 2.5। सो अगेन 2.5, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारी अमाउंट आती है 1,500, राइट।
तो जो शेयर होल्डर ए था उसने ये कॉल एडवांस पे करी है एंड ये हमारा अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट में रिसीव करना था। सो हमने ये टोटल ही अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर लिया है, तो ये हमारी टोटल है ये अमाउंट 23,000, राइट। यानी हमने बैंक में जो टोटल अमाउंट रिसीव करी है वो है 23,000। सो यहाँ पर बैंक अकाउंट में जाएगी टोटल रुपीज़ 23,000। सो ये बैंक अकाउंट डेबिट होगा रुपीज़ 23,000, राइट। देन टू यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमारा है डेबिट हुआ है, राइट। तो इसको सेम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट गाइज, यहाँ पर हम जब क्रेडिट करेंगे, ये जो डेबिट है यहाँ पर 20,000, इसको क्रेडिट करेंगे तो हमारा अमाउंट तो आएगा 20,000, राइट। देन सी 23,000 है, 20,000, यानी कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है। सो जो हमारा कॉल इन एडवांस है, टू कॉल इन एडवांस, यानी कि हमारा जो ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ये हुआ है अलॉटमेंट के अमाउंट से एंड कॉल इन एडवांस के अमाउंट से। एंड कॉल इन एडवांस का हमारा अमाउंट था 3,000 टोटल। तो हम यहाँ कॉल इन एडवांस का टोटल जो हमारा 3,000 अमाउंट है ये यहाँ पर लिखेंगे, ये आएगा हमारा क्रेडिट में। सो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एरियर, सॉरी कॉल इन एडवांस। सो गाइज यहाँ पर अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। एंड फर्स्ट कॉल के लिए हमें डेट दी हुई है 30 जून 2013, लास्ट डेट है ये, तो हम यहीं पे एंट्री करेंगे। सो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम कितना रिसीव करेंगे अमाउंट, रुपीज़ 2.5 पर शेयर इन 10,000 शेयर्स। सो रुपीज़ 2.5 पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर हमें अमाउंट रिसीव करना है। सो यानी कि हमारा डी होगा टोटल रुपीज़ 25,000। एंड देन हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। थर्टी जून 2013 बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ बी केयरफुल, ओके गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर टोटल टोटल 25,000 से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का हमारा थोड़ा जो अमाउंट है 600 शेयर्स पर जो अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट में ही रिसीव कर लिया था। तो अगर हम यहाँ पे 25,000 फिर से बैंक में डाल देंगे तो यानी कि वो तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी रिसीव हो गया, यहाँ पर भी रिसीव हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉल इन एडवांस हमने क्रेडिट किया हुआ है, राइट, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। सो गाइज यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल का जितना भी अमाउंट पहले अलॉटमेंट में रिसीव कर लिया था वो हम डालेंगे यहाँ पर कॉल इन एडवांस डेबिट में। सी गाइज, जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कैलकुलेट किया था एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, राइट। तो फर्स्ट कॉल में हमने कितना रिसीव कर लिया था एडवांस में, 1,500। सो ये जो अमाउंट है ये हम डालेंगे यहाँ कॉल इन एडवांस डेबिट में। सो ये था, ये हमारा आ जाएगा 1,500, राइट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर डेबिट हुआ है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट 25,000। सो अगेन 25,000।
सी गाइस, 25,000 रिसीव करना था जिसमें से 1,500 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया था, सो यहाँ पर इसे हमने डेबिट कर दिया। ओके, तो जितना भी अमाउंट रिमेनिंग होगा वो अब हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल में। सो 25,000 माइनस 1,500 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 23,500, राइट। सो जब हमें जिस कॉल पे हमने एडवांस में रिसीव कर रखा है ऑलरेडी, वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या जो भी हमारा कॉल है वो यहाँ पर आएगा। सो गाइस, अब हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी रिसीव कर लिया है, तो इसके बाद अब हम आते हैं फाइनल कॉल पे। तो हमारा फाइनल कॉल है रुपीज़ 2.5 पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे, तो अब हम इसको ड्यू कर लेते हैं। सो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी 31 अगस्त 2013 को इसकी एंट्री होगी। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो रुपीज़ 2.5 पर शेयर के हिसाब से होगी 10,000 शेयर्स पर। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 25,000। एंड अब ड्यू करने के बाद अब हम सेकेंड कॉल का यानी कि सेकेंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे। अमाउंट रिसीव करने के बाद सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट ही डेबिट होता है, सो कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। टू अगेन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सो गाइज, यहाँ पर जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो हमने सारा यहाँ पर तो रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल कॉल का कुछ अमाउंट हमने क्या किया है ऑलरेडी अलॉटमेंट में हमने रिसीव कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पर भी टोटल 25,000 ही रिसीव कर लेते हैं बैंक में, तो ये हमारा अगेन डबल हो जाएगा जैसा कि हमारा फर्स्ट कॉल में था। अगर हम यहाँ पर 25,000 टोटल रिसीव कर लेते बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा पहले से मिला हुआ है वो यहाँ पर अगेन रिसीव हो जाता, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अगेन रिसीव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने ऑलरेडी सेकेंड कॉल में रिसीव कर लिया हुआ है इसे हम डालेंगे यहाँ पर कॉल इन एडवांस डेबिट अकाउंट में। सो गाइज, यहाँ पर सेकेंड कॉल में भी हमने सेम अमाउंट रिसीव किया था 1500। सो ये 1500 जो हमने पहले से रिसीव किया हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पर, वो हम डालेंगे यहाँ पर कॉल इन एडवांस में, राइट। एंड यहाँ पर फाइनल कॉल डेबिट हुआ 25,000 से, सो यहाँ पर क्रेडिट हुआ 25,000 से। सो इसको बैलेंस करते हैं आप, 25,000 माइनस 1,500, तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 23,500। सो यानी कि बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होगा सिर्फ इतना, और ये हमें पहले से रिसीव हो चुका है। सो गाइस, इस तरह से एंट्री करनी है हमारे कॉल इन एडवांस के केस में। जब हमें रिसीव होगी कॉल इन एडवांस, उस टाइम पे हमें कॉल इन एडवांस करना है क्रेडिट। एंड जिस कॉल में हमें रिसीव होती गई है यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट पहले रिसीव हो गई थी, सेकेंड कॉल की अमाउंट पहले रिसीव हो गई थी, तो यहाँ पर हमें उसी क्रेडिट की हुई कॉल इन एडवांस को डेबिट करते जाना है आखिर के केसेस में, जहाँ जहाँ हमें वो रिसीव हो चुकी है, राइट। सो गाइस, अब हमें करना है ये जो कॉल इन एडवांस है इस पे इंटरेस्ट पे करना है शेयर होल्डर को। सो अब उसके एंट्री करते हैं। एडवांस के केस में क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट करी है उस पे कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देगी। सो सबसे पहले हम उस इंटरेस्ट अमाउंट को करेंगे ड्यू। एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है गाइस, वो हुआ है 31 अगस्त 2013 को। सो हम वही डेट डालेंगे, एंड ड्यू करने की हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस
अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर। सो जैसा कि हम कॉलिन एरियर के केस में क्या करते थे, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट करते थे टू इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियर, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा मेंबर था यानी कि जो शेयर होल्डर था वो हमारा डेटर बन जाता था, यानी कि उसे हमें इंटरेस्ट देना होता था। लेकिन इस केस में क्या है, ये हमारा क्रेडिटर बना है क्योंकि हमें इसे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है अभी, इसलिए ये हमारा क्रेडिटर बन गया। सो गाइज, अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एडवांस कैसे कैलकुलेट करेंगे। गाइज, यहाँ पर जो हमें कॉलिन एडवांस रिसीव हुई थी वो हमें दो कॉल की एडवांस रिसीव हो गई थी, एक थी फर्स्ट कॉल एंड देन सेकेंड कॉल। पहले हमें फर्स्ट कॉल रिसीव हुई एंड देन कुछ टाइम बाद हमें सेकेंड कॉल रिसीव हुई। यहाँ पर जितने टाइम तक की ड्यू डेट है हम उतने टाइम तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल वाले में जो हमारी अमाउंट थी उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट जो बनता है, 15,000 एडवांस अमाउंट पे कर रही थी तो इस पर ही हम उसे इंटरेस्ट देंगे। एंड गाइज, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कॉलिन एरियर के केस में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता है तो वहाँ पर हम अपने मन से 10% ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट। एंड कॉलिन एडवांस के रेट में क्या होता है, हम 12% इंटरेस्ट रेट लेते हैं। सो यहाँ पर 12% हम लेंगे इंटू 100। गाइज, यहाँ पर 12% अगर हम निकालते हैं तो हमारा पर एनम यानी कि पूरे एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो पहले हम पूरे एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आएगा 1500 इंटू 12% इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पर हमारा पर एनम इंटरेस्ट आता है 180। लेकिन गाइस, यहाँ पर पूरे साल के लिए उसने एडवांस पेमेंट तो नहीं किया था। हमारा जो अलॉटमेंट का अमाउंट था यानी कि जो अलॉटमेंट हमारा था वो हमने रिसीव किया था 1 मार्च 2013 को, एंड वहाँ से लेके जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो हमने रिसीव किया 30 जून 2013 को। सो यहाँ पर तो उसे वैसे भी फर्स्ट कॉल पे करनी थी, तो इसके बाद का इंटरेस्ट हम उसे नहीं देंगे, हम सिर्फ उसे इसके बीच का इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि जहाँ पर उसे कॉल पे करनी थी एंड यहाँ पर जहाँ पर उसने कॉल एडवांस में पे कर दी, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे कर दी थी। सो अलॉटमेंट के टाइम से लेके फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू होने तक का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड मार्च से जून तक का हमारा डिफरेंस आता है पूरे 4 मंथ्स का, इसका मतलब उसे इंटरेस्ट सिर्फ 4 मंथ्स का ही मिलेगा। सो 180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, यानी 12 मंथ्स से डिवाइड करेंगे तो हमें पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन 4 से इंटू करेंगे तो हमें 4 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा गाइस पूरा ₹60। सो यानी कि जो फर्स्ट कॉल है उस पर हम शेयर होल्डर को देंगे ₹60 एज इंटरेस्ट, राइट। एंड अब हमें कैलकुलेट करना है कि सेकेंड कॉल तक का इंटरेस्ट क्या होगा। सेकेंड कॉल का भी सेम अमाउंट है 1500 जो कि हमें एडवांस में मिल गया था। सो 1500 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू 12%। सो ये हमारी अमाउंट आ जाती है ₹180। एंड ये भी हमारी अमाउंट पूरे ईयर का इंटरेस्ट हम इसमें नहीं देंगे। अलॉटमेंट का टाइम था 1 मार्च 2013 जहाँ पर हमने ये कॉल एडवांस में रिसीव कर ली थी, एंड अलॉटमेंट के बाद जो ये सेकेंड कॉल का अमाउंट हमने रिसीव किया है ये हमने रिसीव किया है 31 अगस्त। सो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का ही हम इसे इंटरेस्ट पे करेंगे। सो मार्च से लेकर अगस्त तक का हमारा जो डिफरेंस है वो है टोटल 6 मंथ्स का, यानी कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे सिर्फ 6 मंथ्स का। सो 180 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू ₹90। सो यानी कि यहाँ पर जो हमारा टोटल इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो होगा ₹60 प्लस ₹90।
सो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट पेमेंट रहता है ₹150। सो गाइस कॉलिंग एडवांस में इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम बी केयरफुल कि आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कब ड्यू किया है एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट कब ड्यू किया है। सो आपको ये डिफरेंस जो है वो चेक करने के बाद ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सो इस केस में हमारा इंटरेस्ट आया है ₹150। सो गाइस यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं ₹150। एंड गाइस नेक्स्ट एंट्री होगी जो शेयर होल्डर है उसको इंटरेस्ट पे करने की। सो 31 अगस्त 2013। सो यहाँ पर हम इसे पेमेंट कर देंगे तो ये यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा। सेंट्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि जब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। सो 150 हमने पेमेंट कर दिया। एंड इसके बाद जो ये इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एरियर्स सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस है ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा PNL अकाउंट में। सो यहाँ पर ये डेबिट हुआ है, सेम यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, सो अमाउंट है ₹150। सो गाइस इस तरह से कॉल इन एडवांस है इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है एंड इस तरह से उसे ट्रांसफ़र करना है। पहले ड्यू करना है, देन पेमेंट करनी है, देन उसके बाद ट्रांसफ़र करना है उसे PNL अकाउंट में। सो गाइस आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी। एंड अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। सो गाइस अब हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जहाँ पर हमने सबसे पहले शो किया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। एंड इसके अंडर हम शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम शो करते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जैसी चीज़ें जो भी शेयर होल्डर्स का फंड होता है। एंड देन हम नेक्स्ट जो हम हेड डालते हैं वो हम डालते हैं एसेट्स, क्योंकि जो भी हमारे पास शेयर कैपिटल आती है वो हमारे पास कैश के फॉर्म में आती है, यानी कि पैसा आता है। तो यानी कि जो कैश है वो हमारा करंट एसेट है। सो हम करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट आई है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सो यहाँ पर मैंने नोट नंबर डाले हुए 1, 2, 3, यानी कि ये हम अमाउंट जो यहाँ पर हमें फिल करनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो गाइस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले वैसे तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, बट हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पर दी नहीं हुई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इशूड कैपिटल, यानी कि कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की। सो इशूड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल हमारी है 1000 इक्विटी शेयर्स एंड वहाँ पर शेयर की अमाउंट है ₹10। सो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो यानी कि हमारे इशूड कैपिटल की जो अमाउंट है वो है 1,00,000। एंड जो इशूड कैपिटल थी उसमें से पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब की एंड वो सब्सक्राइब जो की वो फुल्ली पेड की या नहीं की। सो गाइस इसके बाद हम चेक करते हैं कि पब्लिक ने कितनी कैपिटल सब्सक्राइब करी है एंड वो फुल्ली पेड है या फिर नहीं है। एंड ये जो केस है यहाँ पर सारी की सारी जो कैपिटल है वो फुल्ली पेड है एंड ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो अनपेड रह गया हो। तो हम यहाँ पर हेड डालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो वो हमारी क्या है,
10,000 इक्विटी शेयर्स। ऑफ ₹10 ईच, यानी कि सारा ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया एंड इसमें फुल अमाउंट भी पे हो गया है, तो यानी कि हमारी जो पेमेंट हुई है वो हुई है 1 लाख की। सो गाइज, हमारी जो कैपिटल थी, हमने जितनी इशू करी वो सारे ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली, यानी कि 1 लाख हमें अमाउंट रिसीव हुआ, तो ये हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। सो इसे यहाँ पर लिख देते हैं। एंड अब हम कैलकुलेट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। सो गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई भी रिजर्व है जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कोई भी ऐसा रिजर्व है, तो वो हम इसके अंडर में लिखते हैं। एंड यहाँ पर हमारा एज रिजर्व एंड सरप्लस है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस। सो मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एंड ये हमारे पास है ₹150। एंड गाइस, ये जो हमारा अमाउंट है ये माइनस में है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि जब हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया था, यानी कि जब हमने इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे किया, तो हमने ₹150 पे किया, तो वो हमारा पीएनएल अकाउंट से कट हो गया, यानी कि पीएनएल जो हमारा अकाउंट था वो ₹150 से कम हो गया। सो इसलिए ये हमारा अमाउंट आया है माइनस में। सो गाइज, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी ₹150, एंड जो जाएगी माइनस में। सो 150 माइनस में। एंड देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सो गाइस कैश हमें टोटल कितना रिसीव हुआ, 1 लाख, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल 1 लाख की रिसीव हुई है, तो यानी कि कैश के रूप में जो हमें अमाउंट मिला वो मिला 1 लाख। बट इसमें से क्या हुआ, जो भी हमें कैश मिला उसमें से हमने कुछ जो अमाउंट था वो एज इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो यानी कि जो हमने शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया उसकी वजह से हमारा कैश कम हुआ होगा। सो हम इसमें से वही इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे। सो लेस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, सो ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस। सो गाइज, जब हम 1 लाख में से ₹150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचती है 99,850, यानी कि टोटल जो कैश हमारे पास एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो हुआ है 99,850। सो ये अमाउंट हमारा चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सो गाइज, अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो हम एसेट का अमाउंट एंड जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी अंडर जो अमाउंट है इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 99,850, एंड यहाँ पर हमें दो अमाउंट दिए हुए हैं 1 लाख एंड 150। तो गाइज, ये 150 जो अमाउंट है वो माइनस में है, तो यानी कि 1 लाख में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 99,850 ही बचता है। सो इस तरह से ये दोनों अमाउंट हमारे बैलेंस हो जाएंगे। सो गाइज, इस तरह से यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी।